गुड मॉर्निंग गाइस, आज का वेदर बहुत क्लाउडी है और इसीलिए शायद मेरा तबीयत भी आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अनिर्बान को मैं सिखा रही हूँ सैंडविच बनाना। अच्छा ही बना रहा है, देखो। हाँ, एक साइड हो गया है, दूसरे साइड करो। क्या बोल रहे, एक्साइटेड हो गया या फिर एक्साइट हो गया? एक्साइटेड नहीं, एक साइड हो गया है, दूसरा साइड को करो। दे दिया है, अच्छा बना है। मम्मी तो ऐसे ही अच्छे बनेंगे बोलेंगे। एकटा खेचो। सुबह से मनुष्यता एकदम सो ही जा रहे थे। कभी कभी उसको ऐसे होता है कि शुगर और प्रेशर जो है फॉल हो जाता है, तो उस टाइम ऐसे चीनी और नमक पानी पीने से अच्छा होता है। सो दो रीज़न की वजह से शुगर प्रेशर थोड़ा सा डाउन होता है। एक, अगर आप खाना नहीं खाते हो अच्छे से, जो मेरे केसेस में तो है ही नहीं, मैं हर एक एक दो घंटे में प्रोटीन पाउडर अंडा ये वो खाती रहती हूँ। और सेकेंड, अगर आपका हॉर्मोन्स ज़्यादा है तो उसके वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल है, किसी को होता है। यू आर अनलकी, व्हाट कैन आई डू। सो मेरा हॉर्मोन्स ना थोड़ा सा ज़्यादा ही है, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन जो है ना मेरा, अभी फिर से बहुत बढ़ गया है, नौसिया फिर से रिटर्न हो गया है। डॉक्टर इनिशियली सेड ये अच्छा है, एक्चुअली बेबी के लिए अच्छा है। इनके लिए उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। मुझे किसी के साथ भी बात करने अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये पी लो, 10 मिनट के बाद देखना ठीक हो जाएगा। मेरे पास दो ही स्वेटर है जो मैं अभी पहन सकती हूँ। एक है पोंचो, वो मैं अभी पहन सकती हूँ, तो अनलिमिटेड है स्पेस। और एक है ओवरसाइज, एक दार्जिलिंग से लिया था, वो दोनों का एक मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है। कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि आप इतना टाइट कपड़ा क्यों पहन रहे हो। ये टाइट नहीं है, नॉट दिस वन। अभी एक्चुअली वो टाइट कपड़ा पहन नहीं पाते। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी को सामने से देखते हो ना प्रेगनेंसी में, तो आप एक तरीके से देखते हो, साइड से देखते हो तो एक तरीके से देखते हो। जैसे कोई भी चीज़ मैं पहनती हूँ, कभी कभी लोग तुम्हारा पेट तो दिखते ही नहीं, इसमें आप समझ नहीं सकते हो कि मैं प्रेगनेंट हूँ, एक मंथ चल रहा है, क्योंकि ऐसा ही है। अगर आप साइड से देखोगे तो अलग व्यू रहता है, स्पेशली कैमरा में। तो जो जो चीज़ आप मना करते हो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी रहता है। मैं वही चीज़ डॉक्टर विजिट में ही पहन के जाती हूँ कि डॉक्टर अगर कुछ बोले, डॉक्टर बोले कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीन्स वगैरह जो बहुत टाइट होता है वैसी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। विंटर है देखो, अभी पैंट तो पहनना पड़ता है ना, तो मुझे ठंड लग जाएगा। जब हम लोग इस घर में आए थे ना, तो ये सोचते रहते थे इतना सारा कैबिनेट से हम करेंगे क्या। फिर अभी देखो फुल फिल हो गया है, और अभी जबरदस्ती का हम लोग कैबिनेट क्लीन कर रहे हैं और स्पेस निकाल रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि दो एटलीस्ट हमें चाहिए। दो के जगह पे तीन होने वाला है। हाँ, बट दो कैबिनेट हमें खाली करना है फॉर जूनियर। उसके लिए तो मुझे लगता है एक फुल कैबिनेट ही लगेगा। 25 आ रहा है। हाँ। ये इधर पे और एक है, एक साथ रखते हैं इसको। ये तुम्हारा या मेरा है? ए, हमारा मेरा है। हट, ए हो जाएगा इसे। ये थोड़ा बिनारस घूमने के लिए गया था, अभी जस्ट लौटा है। हाँ, ये अनलिमिटेड है, मतलब मैं ये हम लोग दार्जिलिंग से खरीदे थे और ये इसको बहुत पसंद था, बट यहाँ पे कब पहनेंगे करके पीछे। एक्चुअली दार्जिलिंग हम लोग गए थे मार्च में, तो उस टाइम पे कोलकाता रिटर्न होके गर्मी आ गया था, फिर इसको हैदराबाद लेके आए थे, बट ये कब पहनेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं था, तो ये पीछे चले गए थे। नहीं, मैं कुछ दिन पहले निकाल के ट्राई किया था कि हो रहा है कि नहीं, और ये ना थोड़ा सा हल्का ठंडा में शायद पहन सकती हूँ मैं, जैसे हैदराबाद में है, उसमें मेरा एक सलवार पीस है, उसको बनाना पड़ेगा। तो खाने में मम्मी बना रही है अभी लाउ घंटो, मेरी बड़ो माँ को फोन करके रेसिपी पूछ के भी बना रही है। जो मैंने टेस्ट करके बता दिया कि हाँ ठीक हुआ। ए, इसके अंदर ये मसाला अभी तक नहीं गया है और टेस्टी बनेगा ये। okay. इसके अंदर दूध है, घी है और क्या है, जीरा। हाँ, तो ये होगा। और अनिर्बान अभी देखो 12:30 बजने को आया है, अनिर्बान को अभी चिकन बनाना है। अरे हम तो उजा बात होता है, अरे तो कोई बात होता है। हमारा घर में ना सारे पर्दा अभी हम लोग लगा के रखते हैं, क्योंकि बाहर ना पेंटिंग का काम चल रहा है। हाँ। तो लोग पेंट करते हैं, इधर ही फेस करके देखते हैं, और मैं इधर जाती रहती हूँ और मैं ना डर जाती हूँ कि कौन है करके। अरे वो एक कभी कभी सीरियल या फिर एड में आ रहे थे ना, क्या बीनू दिया क्या बोलते थे उसका, ऐसे एक किताब था, ये भी मेरे लिए ऐसा ही है। बेनुदी रन्ना घर की बोल छो। हाँ, ऐसा कुछ था।
ऐसे मुझे ना दूसरा कोई चिकन भी ट्राई करना चाहिए ना। क्या है कि हमारे बैल्कनी में भी शायद पेंट करेंगे, तो ये सब का क्या होगा आई डोंट नो। सो ये सब हटा रहे हैं अनिर्वाण सभी, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। इधर कैसे पेंट करेंगे आई डोंट नो। घर में हम लोग गए थे शायद खाने, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे कंटेनर में भेज दिया था जो मुझे पसंद आया था। सो वो कंटेनर मुझे रिटर्न करना था। अनिर्वाण बोल रहे हैं कब से कि चलो चलो कुछ बना के दो। क्या बनाऊँ मैं वही सोचती हूँ कि हम तो अभी बहुत पतला खाना खाते हैं ना। सो अनिर्वाण को सब लोगों ने बोला था कि उल्लू चिकन बना के खिलाओ, तो अनिर्वाण आज उसका उल्लू मतलब सॉरी उल्ली, मैं भी उल्लू ही बोलती हूँ, उल्ली चिकन बना रहा है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मीठा कुछ बना देती हूँ। रेडी हो गया है। अनिर्वाण ने बोला कि अब कैमरा लेके आओ। ये जो रेसिपी है ना ये मैं ऑलमोस्ट 4-5 बार किया हूँ, फिर भी मुझे याद नहीं आता है। पहले ऑयल से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना ये वो गूगल मैप टाइप का है, जब तक यूज करोगे तब तक याद नहीं रहेगा। पहले तो इसको ऑन करते हैं। ऑयल थोड़ा ज्यादा देना है, लोगों को देना है, किसी को देना है तो अच्छे से बनाना चाहिए और लाइट लाइट नहीं बनाना चाहिए ना। बट ऑयल तो अनहेल्दी होता है ना। उनको अनहेल्दी हो गया, टेस्ट का मामला है, रोज रोज थोड़ी खिलाते। और हाथे कितना भेज, मेरा तो दोनों तरह की प्रॉब्लम, इसको हेल्प करो कि वीडियो लो। अनिर्वाण बोल रहे हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम वीडियो लो। क्यों छे धोआ भगवान। तो इसमें ना बहुत सारा मसाला है, इसका ना मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगी, ऐसे बोलने में बहुत टाइम जाएगा। मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है। मैं बोल देती हूँ, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर है, इसमें टर्मरिक पाउडर है, नमक है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और सिनेमन पाउडर है, सभी हाफ चम्मच करके है मसाला। अरे नहीं नहीं 2 चम्मच भी था किसी किसी में। अरे ये तो लौंगकल गुड़ और इधर तो मैरिनेटेड शुगर। सो मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस इसमें चिकन डाल देंगे। उठा दिया है। सो रेडी हो गया है अनिर्वाण का चिकन, उल्ली चिकन देखने आया है। ठीक है। मैं रबड़ी बना रही हूँ। सो रबड़ी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर अनिर्वाण को बहुत पसंद है, तो सोच रही हूँ कि यही बना के उनको दूँ। दोनों बैल्कनी एक साथ मतलब पेंट कर रहे हैं। बैल्कनी में हमारा इतने सारे चीज़ें रहता है ना, एटलीस्ट 1 डे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना एटलीस्ट हम लोगों को। अनिर्वाण देखो ऑफिस के काम छोड़ के भी ना, चुका छुट्टी है, बहुत सारा बैंक रिलेटेड काम रहता है आजकल, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। यूट्यूब रिलेटेड बहुत सारा काम रहता है, मेल का रिप्लाई करना पड़ता है, और मम्मी ना ये सब काम बिल्कुल नहीं कर पाती है क्योंकि शोल्डर पेन होता है, साइनस है, और भी क्या क्या है उसके वजह से, बात है इसीलिए उसके वजह से नहीं कर पाती है। मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ। ऑलमोस्ट ना हो गया है, रबड़ी जो है ना देखो जम गया है, अभी इसको दूध में मिलाना है। चीनी डाल दिया है, गाढ़ा हो गया है दूध, लेकिन ये इतना गंदा हो गया, आप देखो ऐसे करके छोड़ दिया, अभी कब क्लीन करेंगे। मैं देख के मुझे सर घूम रहा है मेरा, देखो ये कल हो जाएगा। बट तुम ये देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, एक ही तो लग रहा है मुझे, आप लोगों को डिफरेंस लग रहा है क्या? मुझे तो सेम ही लग रहा है। हम ना गाइस 2 फ्रेंड के घर में खाना देने वाले थे, क्योंकि अनिर्वाण सबको देना चाहता है उसका उल्ली चिकन। तो दिशा हो गया, शुमी हो गया, रिया और शोभना को घर में जाने वाले थे, उन दोनों ने बोला था स्पेशली करके कि रॉनी कब खिलाओगे, तो मैंने बोला था कि पहले फ़ोन करो उसके बाद बनाना, पर इन्होंने फ़ोन नहीं किया। ये वो लोग घर में नहीं है, घूमने चले गए हैं, फ्रिज में भी नहीं रख सकते कि कल आएंगे कल देंगे, तो ऑनली शोभना के घर में ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर खराब हुआ तो नहीं देंगे। तब चीज़ ये है कि मैं इसको बोल रही थी कि एक ही फ्रेंड के घर में एक हफ्ते करके चलो, क्योंकि मैं उतना एफर्ट नहीं दे पाऊँगी, स्पेशली शोभना के घर बहुत दूर है हमारे घर से। तो उसने बोला नहीं नहीं एक ही दिन में जाएंगे, दो दे के आएंगे करके। अच्छा हुआ भगवान मेरी बात सुन लिया। ये है हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हमारे घर से। मुझे ना गाइस बहुत मन था एक दिन हम लोग उनके घर पर जाएंगे मेट्रो स्टेशन से, पर अभी इस हालत में मैं बेलू को छोड़ के और किसी के ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ, मतलब अगर इमरजेंसी ना है तो।
मतलब बेलू जो सपोर्ट देता है वो मेट्रो तो नहीं देगा। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और करीब 40-45 मिनट या जैम होने पे डेढ़ घंटा भी लग सकता है। सैटरडे संडे है ना, हैदराबाद में सैटरडे संडे कोई घर पे नहीं रहता है, सब बाहर। और यहाँ पे बहुत सारा फूड स्ट्रीट है जिसमें आप जाओगे ना तो आप शॉक हो जाओगे कि आप रात के 2 बजे के भी DLF आके देखो, आपको लगेगा कि 7:30 बज रहा है शाम का, इतना भीड़ होता है। सो गाइज, मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं किया, गाड़ी में चल रही थी, आपको बोल रही थी कि डेढ़ घंटा लग सकता है जैम में, तो हमारा बैड लक था कि जैम था। और ऊपर से मैंने जैसे आपको बोला ना कि मेरा नौजिया वॉमिटिंग वापस आ रहा है, तो सेम प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा नौजिया बढ़ गया था। सो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कभी कभी बाहर निकलो, फ्रेश एयर में रहो, हल्का फुल्का इधर उधर 5-10 किलोमीटर के अंदर ट्रैवल करो। उससे क्या होता है कि मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार कहीं पे जाओ, उससे ना आपका मेंटली आप थोड़ा सा अच्छा रहते हो, उससे अच्छा होता है सब कुछ, क्योंकि घर पे पूरा दिन रहने से ना मेंटली आप बहुत बुरे रहते हो। तो मैंने इसी सोच के सोचा कि चलो चलते हैं करके गई, और रास्ते में मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था। अनिर्वाण ना गियर छोड़ के बीच बीच में ऐसे कर रहा था मेरे हाथ में और मैं कि ठीक हो तुम, ठीक हो, तो मेरा ऐसा लग रहा था नौजिया में, मैं रोक लगा कि मुझे टच ही मत करो, मैं तुम्हारे हाथों में उल्टी कर दूँगी। तो भगवान की शुक्र है उल्टी हुआ नहीं। अनिर्वाण ने एक जुआन फिर एक दुकान से ख़रीद के दिया, मुझे ऑनली जुआन से ही ठीक होता है, और मेडिसिन प्लास्टिक कुछ नहीं था, पर ठीक है उनके घर गई। फिर उन लोगों ने जैसे करती है बहुत बहुत पैम्पर करती है शोभना, बहुत कुछ खिलाया, कॉर्न, दही बड़ा, बिरयानी, रात को डिनर करके ही छोड़ा। फिर अभी हम लोग घर आए हैं, हाँ टायर्ड हो गई हूँ, पर क्या है ना कि जाना बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे कष्ट तो हुआ पर जाके मुझे बहुत मज़ा आया। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।